कनेक्ट होनी चाहिए राधा रमन से। तो आज है संडे, तो आप सभी को हैप्पी संडे। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बहुत, और अभी मैं किचन में जो आप लोग देख सकते हैं। एंड गाइज, अभी मैं बना रही हूँ काबली चना का सब्जी। किस किस को पसंद है बताइए। तो सब कुछ कट कर ली थी मैं, एंड वो सब कैप्चर नहीं थी, प्याज मैं डाल चुकी हूँ फ्राई के लिए। एंड यहाँ आलू मैं कट कर रही हूँ। प्याज इतना मतलब हो चुका है और थोड़ा देर ही फ्राई होगा, उसके बाद मैं मसाले डाल दूँगी। एंड गाइज, कुछ लोग बोल रहे थे कि अपने साड़ी का कलेक्शन लेके ये सब ले के लिए, तो हाँ लेके आऊँगी जल्दी सब कुछ। मैं भी सोच रही थी कि यह सब लेके आऊँ, तो और क्या क्या के कलेक्शंस चाहिए वो आप बताना कमेंट बॉक्स में। आज संडे है तो सब कुछ लेट लेट सा ही हो रहा है, तो अभी 8 बज रहे हैं, अभी नाश्ता भी नहीं रेडी आप सोच रहे हो, क्योंकि हम लोग एक संडे ही है जब अच्छे से, नहीं तो आप लोग देखते होंगे सुबह सुबह जल्दी जल्दी फटाफट से कैसे भी नाश्ता बना। तो आज संडे है तो हम बना रहे हैं काबुली चना, जिसको आप चाट भी बना के खा सकते हो, अच्छा लगता है खाने में। तो आज इसलिए पता है क्योंकि हर रोज़ तो ड्यूटी वगैरह रहता है, तो फटाफट से सब कुछ बनाना पड़ता है, बट एक संडे ही होता है जिससे हम अच्छे से कुछ बना सकते हैं सोच के समझ के। तो वही मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, बट अगर नॉनवेज बन जाता है घर में तो भी सुबह सुबह मैं सादा खाना ही बनाती हूँ, बट अगर नॉनवेज नहीं बनने वाला तो बनाने में काफ़ी अच्छा है। और गाइस, सबको पता है मैं नॉनवेज नहीं खाती, तो मेरे लिए सबसे अच्छा लगता है आलू का भुजिया एंड रोटी। बताइएगा किस किस को अच्छा लगता है। सब्जी में बहुत उतना अच्छा नहीं लगता मेरे को सब्ज़ी, बट भुजिया रोटी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं बात नहीं कर रही हूँ आज आप लोग से, और अभी मैं बाल नहीं धोई हो गई देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैं रात में तेल लगाना भूल गई थी, मूवी देखते रह गई। जैसी मूवी कौन कौन देखा है जरूर बताइए। तो अब मैं नाश्ता वगैरह बना के बाल धोऊंगी। जैसा कि मैं बताई कि लाइट नहीं था, मतलब बहुत बारिश हो रहा है तो लाइट नहीं था, तो मैं आज इसमें देखिए लहसुन मतलब कूट ली हूँ, क्योंकि मसाला डालना होता है, तो आज ऐसे मैं बना रही हूँ सब। बोलते हैं कि तो ईजी पड़ता है, बस मिक्सर में पीस दो मसाले हो जाते हैं, बट आज मुझे कूटना पड़ा है मसाले को। देखिए इतना मैं कूटी हूँ लहसुन, और मिर्च मैं कट करके डाल दी हूँ, इसमें दिख रहे होंगे मिर्च। मेरा फेस बिल्कुल ऑयली ऑयली सा हुआ है अभी, कल मैं लगाई हूँ तेल, लाइट ऑन कर देती हूँ। तो बहुत सारा काम है इसलिए अभी मैं सूट कर ही नहीं पा रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं दिखाती हूँ, मैं ये बेड पूरा ठीक कर रही थी, बिकॉज थोड़ा सा रूम का कुछ चेंज करने का हम लोग सोच रहे हैं इसलिए। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने दोपहर का, क्योंकि दोपहर हो चुका है। भाई चलिए मिलते हैं खाना बनाने के बाद, क्योंकि लेट हो चुका है, जल्दी 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 सारा खाना बनाना है। तो आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, सॉरी हम सब कुछ कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आज संडे है, तो बहुत सारा काम है। आप लोग सब सोच लीजिए कितना बिजी हूँ मैं, कि मुझे बाल धोने का भी अभी तक टाइम नहीं मिला, अभी मुझे बाल भी धोना है, तो धोएंगे एक ही बार अच्छे से, क्योंकि मुझे जल्दी 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 करने का मतलब अच्छे से करने का सब कुछ आदत है, तो इसलिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब्जी नहीं है जो मैं दिखाई थी, इसमें दाल बन गया है। अब
चोखा एंड चावल बनाना बाकी है, तो दिखाती हूँ कैसे बना। तो यहाँ पे मैं प्याज ले ली थी, मिर्च, टमाटर एंड लहसुन, ये सब इसलिए ली थी क्योंकि मुझे यहाँ पे चोखा बनाना था एंड जो दाल था उसको फ्राई करना था अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे माँ जो है चोखा फ्राई कर रही हैं। अगर आपको ये सबका रेसिपी चाहिए जो हम बना रहे हैं तो आप लोग बताइएगा, मैं अलग से रेसिपी लेके आऊँगी। तो देखिए दाल बन चुका था और यहाँ पे चोखा जो है फ्राई कर रही थी माँ। और किसी को फ्राई चोखा बहुत पसंद है बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे चोखा रेडी है। फिर यहाँ पे माँ दाल फ्राई कर रही थी। ये सब का मैं पूरा रेसिपी तो शेयर नहीं की हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पूरा वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही कैप्चर की हूँ। इसलिए बोल रही हूँ अगर आप लोग को रेसिपी वाला वीडियो भी चाहिए तो बताइएगा, मैं लेके आऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ चावल इतना धो के रखी थी और चावल मैं बनाने के लिए रख दी थी। तो हम लोग आए हैं छत पे, सुबह से बारिश हो रहा है। देखिए हम लोग कौन कौन है। हेलो मैम, हेलो। तो बहुत अच्छा लगता है बारिश के बाद जो होता है, बस एक चीज़ अच्छा नहीं लगता वो है अजीब सा ये हो जाता है। देखिए पूरा पानी पानी सब जगह हो गया है, बट हाँ कुछ ठंडा ठंडा सा मौसम है अभी भी ना, फुहारे जैसा बारिश हो रहा है। तो कैमरे में नहीं आ रहा होगा, देखिए बादल एकदम पूरा बादल हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। हम लोग अभी छत पर आए हैं क्योंकि सुबह से लगातार बारिश हो ही रहा है। ये देखिए दोनों अमरूद तोड़ी पुग्गू मेरी, और क्या नाम है पुग्गू? आरती नाम है। और यहाँ पे देखिए आप लोग बरखा को, आप लोग देखे होंगे कल वाले ब्लॉग में, बहुत सारे ब्लॉग में देखे होंगे, बर्थडे वाला ब्लॉग भी डाले थे बरखा का। तो ये अमरूद खाने जा रही है। ये क्या कर रही हो? पानी, क्या मैं डालोगी पानी? तुमको डालने आएगा। तो देखिए ये क्या करने जा रही है। कौन सिखाया ये? मम्मी। मम्मी सिखाई? पानी बनाता, मम्मी पानी डालती ना, ठीक है हम डालते। मम्मी भी डालती है पौधे में पानी? सो क्यूट, ये कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट। धीरे 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 गिर जाएगी। हाँ गिर जाएगा नानी। दो अमरूद तोड़ी है ये। अमरूद मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। अरे खांसी हुआ है ना, खांसी हुआ है ना, ठंडा चीज मत खाओ। वो देखिए पक्षी उड़ रही है। चल तुम्हें ना ले पका। कैसा अमरूद? कितना अच्छा। फिर जा रही है ये पानी लेके। इसको पानी में अच्छा लगता है क्या खेलना? और ये देखिए हेयर स्टाइल अलग है पुग्गू का, आज बिल्कुल चेंज एकदम स्टाइल में। तो गाइस अब जा रहे हैं वीडियो एडिट करने, और अभी कमेंट आया था कि ब्लॉग नहीं आया तो तुरंत आएगा। तो देखिए गाइस अभी टाइम मिला मुझे बाल धोने का, फाइनली मैं बाल धो ली और अभी टाइम बजे 5:30 शाम के। तो बिल्कुल आज बहुत सारा काम था, बहुत सारा दिन भर काम था, इसलिए मैं आज ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाई हूँ अपने। इस ब्लॉग को अब हम यहीं पे एंड कर रहे हैं बिकॉज आज डालने के लिए मेरे पास कोई ब्लॉग नहीं है। सुबह से बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि आज का ब्लॉग कहाँ है। तो चलिए आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा काम था, बिजी था, फिर भी मैं उसी में से टाइम निकाल के ये ब्लॉगिंग की हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी किया करें अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।